So good morning students. Today we will continue with the chapter number 3, Discovering Tut, the saga continues. Now see, on the page number 26, last paragraph. Page number 26 ka last paragraph hai, a CT machine scan. Yahan dekh pa rahe hain aap, page number 26 par last paragraph, a CT machine scan. So now see, a CT machine scanned the मम्मी हेड टू टॉप. एक सीटी मशीन ने मम्मी के सिर को मम्मी के सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक क्रमशः देखा, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन और तथा 1700 डिजिटल एक्सरे तस्वीरें अनुप्रस्थ काट की ली. तस हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स intricate structures takes on every detail in the resulting image. और जिसने मशीन ने 0.62 mm के टुकड़ों में उसके सिर को देखा ताकि जटिल रचना को अंकित किया जा सके. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and astronomy, anatomy began to prove the secrets that the winged goodness of a gilded burial shrine protected for so long. और इसी प्रकार तत् के जो समस्त शरीर था उसका अंकन किया गया. विकिरण विज्ञान, न्यायिक प्रक्रिया तथा शरीर विज्ञान की विशेषज्ञों की टोली ने उन गुप्त रहस्यों की पड़ताल पूरी तरह से जांच करना शुरू कर दिया, जिसकी रक्षा पंखों की वाली परियों ने जो स्वर्ण रचित जड़ित मंदिर जो थे उससे जुड़ी इतने समय तक उन्होंने इसकी रक्षा की है. द नाइट ऑफ द स्केल वर्कमैन कैरिड तत फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स. जब रात तत की स्कैनिंग की गई और तत को बॉक्स में रखे हुए मजदूरों ने कब्ज से बाहर निकाला. लाइक पॉल बीरर्स दे क्लाइम्ड ए रैंप एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड. और ताबूत से ले जाने वाले सामान पे भी ढलान पर चढ़े और सीढ़ियों की एक श्रृंखला पर चढ़कर वे बाहर की चलायमान रेत के ऊपर आ गए. Then rose an hydraulic lift into the trailer that held the scanner. उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उन्होंने एक ऐसी गाड़ी में प्रवेश किया. 20 minutes later two men emerged. और 20 मिनट बाद दो लोग बाहर निकले. Sprinted on for an office nearby, और वे निकट के एक ऑफिस की ओर दौड़कर गए. Then returned with a pair of white plastic fins, और सफेद प्लास्टिक से बने पंखों की एक जोड़ी लेकर वापस आए. The million dollar scanner had quit because of sand in cooler fan, और एक मिलियन डॉलर की कीमत रखने वाली मशीन ने काम करना बंद कर दिया था. इसका कारण था कूलर के पंखों में रेत का चले जाना. कर्स ऑफ द फराउड जॉग्ड ए गार्ड नर्वसली. ए गार्ड ने मजाक में घबराहट के साथ कहा कि यह फराओ का श्राप है. इवेंचुअली संयोगवश ऑल द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर. काम चलाओ पंखों ने ठीक तरह से काम किया ताकि पूरी प्रक्रिया समाप्त हो सके. After checking that no data had been lost, यह जांच करने के बाद कि कोई आंकड़ा छूटा नहीं है, the technicians turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. तकनीशियनों ने तत के मजदूरों को सौंप दिया और उसे वापस उसकी कब्र पर ले गए. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, और उसके बाद 3 घंटे से कम समय में फेरों ने वापस शांति से उस कब्र में विश्राम करने लगा. द फराओ अगेन रेस्टेड इन द पीस. उस शांति के साथ फेहर द फ्यूनरल प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो. जहां पर अंत्येष्टि करने वाले पुजारियों ने उसे लंबे समय तक पूर्व में रख दिया था. बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing images of Tut on a computer screen. उधर गाड़ी में एक तकनीशियन ने
कंप्यूटर पर तत्व की आश्चर्यजनक तस्वीरें खींची। ए ग्रे हैड लुक टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टाइटल्ड इन एवरी डायरेक्शन। उसके बाद तकनीशियन ने इसे मटमेले से ने कंप्यूटर के पर्दे को विभिन्न क्षेत्रों से आकार ग्रहण किया, उसे हर दिशा में झुकाया और घुमाया। नेक ओवर ट्रैप अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास। और उसके बाद गर्दन की रीढ़ की हड्डियां उतनी ही स्पष्ट प्रकट हुई जितनी की रचना विज्ञान की कक्षा में दिखाई देती है। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, अन्य तस्वीरों में एक हाथ। सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज और कई पसलियों के ढांचे की कई प्रकार की तस्वीरें। एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल और खोपड़ी का अनुप्रस्थ चित्र प्रकट किया गया। देन नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, अब तनाव जो था वो जा चुका था। सिटिंग बैक टू हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जाही हवास स्माइल, जाही हवास मुस्कुराया। विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और ये स्पष्टतः चैन महसूस करते हुए कि कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ था। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात सोया नहीं। नॉट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं। ही सैड, उसने कहा। आई वॉज सो वरिड, मैं इतना चिंतित था। बट नाउ आई थिंक, अब मैं सोचता हूँ। आई विल गो एंड स्लीप, कि मैं जाऊँगा और वहाँ जाकर सो जाऊँगा। बट बाय द टाइम, उस समय तक वी लेफ्ट द ट्रेलर, हम गाड़ी से बाहर निकले। डेस्केंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और धातु की सीढ़ियों से हम रेत से रेत पर उतरे। एंड द विंड हैड स्टॉप्ड, और उस समय तक जो हवा थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, अब सर्दी की जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी और पूरी तरह से शांत पड़ गई थी। Like death itself in this valley of the departed, ठीक उसी तरह जैसे मृत लोगों की इस घाटी में मृत्यु के समान। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, तत् की समाधि के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर ओरियन खड़ा था। The constellation that the ancient Egyptians knew as the Sol of Osiris, जिसे एक नक्षत्र, ओरियन एक नक्षत्र होता है जिसे प्राचीन मिश्रवासी ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते थे। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जो बाद के जीवन का देवता था। वॉचिंग ओवर द बॉय की, वह ओरियन इस किशोर राजा की निगरानी करते हुए मुझे दिखाई दे रहा था। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। सी क्वेश्चन नंबर वन, किंग स्टफ बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी, अर्थात राजा तत् के शव का बार बार परीक्षण किया गया है। इसका क्या कारण था? क्योंकि तत् एक शक्तिशाली वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था, जिसने मिश्र और उसके साम्राज्य पर कई शताब्दियों तक शासन किया था, और उसका जीवन और मृत्यु जो थे वो दोनों ही उसके लिए रहस्य बने हुए थे। उन रहस्यों को खोलने के लिए ही उसके शव का बार बार परीक्षण किया गया था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, उसका रीजन हमें बताना है। हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड, हॉवर्ड कार्टर की पड़ताल पर नाराजगी दर्शाई गई थी। क्यों? क्योंकि तत् को दफनाने के समय उसके शव पर जो रखे गए चिकने पदार्थ थे वे काफ़ी कठोर हो चुके थे। इस कारण से शव को उस ताबूत से बाहर निकाल पाना काफ़ी कठिन हो गया था, मुश्किल हो गया था। इसलिए हॉवर्ड कार्टर को एक छैनी का प्रयोग करना पड़ा। छैनी मतलब चीजर, ममी के सिर तथा सभी बड़े जोड़ों को एक एक करके काट कर उन्हें अलग करना पड़ा, और ऐसा सोचा गया कि उसकी ममी को हानि पहुंचा दी गई थी। इसी कारण उसकी पड़ताल पर इस प्रकार की नाराजगी व्यक्त की गई थी। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टर हैड टू सीजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स, कार्टर को ठोस बने हुए चिकने पदार्थों को हटाने के लिए छेनी का प्रयोग करना पड़ा ताकि वह राजा के अवशेषों को अलग कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ठोस बने हुए चिकने पदार्थ जो शब्द ने शव को ताबूत के पैंदे से पूरी तरह चिपका दिया था,
अब इन पदार्थों को छेनी का प्रयोग करके ही हटाए बिना शव को ताबूत से नहीं निकाला जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तत्स बॉडी वॉज बराइड अलोंग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। तत् के शरीर को स्वर्णिम खजाने के साथ क्यों दफनाया गया था? सो द रॉयल्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट वर फैबुलसली रिच, क्योंकि प्राचीन मिस्र के जो शाही लोग थे वो काफी अमीर थे। दे थॉट दैट दे वुड टेक अवे सम ऑफ देयर रिचेस आफ्टर देयर डेथ। वे सोचते थे कि वे अपनी कुछ दौलत अपनी मृत्यु के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ द बिलीव दैट तत्स बॉडी वॉज बराइड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। इसी विश्वास के साथ तत् के शरीर को भी स्वर्णिम खजाने के साथ पूरी तरह दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतन खातेन टू तूतन खामून। किशोर राजा ने अपना नाम तूतन खातेन से बदलकर तूतन खामून रख लिया था, क्यों? पूर्व के राजा प्रजा को सूर्यदेव आतेन की पूजा करने के लिए बाध्य कर दिया था आमून के स्थान पर। आमून प्राचीन मिश्र का एक प्रमुख देवता था। जब तत् राजा बना तो उसने अपनी पुरानी परंपरा की पुनर्स्थापना कर दी और अपना नाम तूतन खातेन से बदलकर तूतन खामेन रख लिया। तूतन खामून का अर्थ क्या होता था? आमून की जीवित प्रतिमा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन पार्ट लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनतन एज वैकी। उन काम की सूची बताइए जिसके कारण रे जॉनसन ने अखेनतन को सनकी वर्णित किया है। तो अखेनतन ने सूर्यदेव आटेन की पूजा को प्रोत्साहित किया था, अपना नाम बदल लिया था, धार्मिक राजधानी को प्राचीन शहर थीम्स ने अखेनतन के नए शहर में ले गया, आमून की मूर्ति को तोड़ डाला। आमून एक प्रमुख देवता था और उसने इन सभी कार्यों के लिए उसे सनकी कहा। वॉट वर द रिजल्ट ऑफ द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के क्या परिणाम निकले? कंप्यूटर के पर्दे पर तत् की आश्चर्यजनक तस्वीरें देखी गई। एक मटमेला सिर, तकनीशियन ने इसे हर दिशा में घुमाया और झुकाया, गर्दन की हड्डियां भी दिखाई दी। एक हाथ और पसलियों का ढांचा देखा गया, खोपड़ी को अनुप्रस्थ काट के रूप में भी देखा गया और ऐसा पाया गया कि उसके साथ कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ था। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इंप्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस। तकनीकी में हुए विकास की सूची बनाइए जिसके कारण न्यायिक विश्लेषण में काफी सुधार हुआ है। तो रोग निदान के कारण अब कंप्यूटेड टोमोग्राफी का प्रयोग कर सकते हैं हम, सीटी स्कैन से अनुप्रस्थ काट की सैकड़ों एक्सरे तस्वीरें ली जा सकती हैं। इन तस्वीरों को एक साथ रखकर शरीर की त्रिआयामी तस्वीर भी दोबारा से बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग तत इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ। इस वक्तव्य को स्पष्ट कीजिए कि राजा तत् उन प्रथम मम्मियों में से एक है जिन्हें पहले स्कैन किया गया है मौत में जैसे जीवन में। तो तत् मिस्र की प्राचीन शासक वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। उसका जीवन और जो मृत्यु था दोनों एक ही रहस्य हैं। उनकी मम्मी सैकड़ों अन्य मम्मियों में से एक है किंतु यह स्कैन किए जाने वाली मम्मियों में प्रथम था। इस प्रकार तत् अपने देशवासियों को स्कैन के लिए आगे जाने रहा मृत अवस्था में, वह जीवन में भी यही था क्योंकि यह उन लोगों का राजा था। दैट्स व्हाई ये वाक्य कहा गया था। सो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 एंड द अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट। ओके इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 4। इफ यू हैव एनी डाउट कंफ्यूजन इन दिस चैप्टर देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर। टिल देन थैंक यू वेरी मच।